Hey guys, hello and welcome back to my channel BUB Confident and this is Nisha. So, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉपर पेप्टाइड्स फॉर स्किन. कॉपर पेप्टाइड्स क्या है, इसके क्या स्किन बेनिफिट्स हैं. सो विदाउट फर्दर एडियो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कॉपर पेप्टाइड्स होते क्या हैं. जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में नॉर्मली आयरन एंड कैल्शियम वगैरह बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, सेम उसी तरह से कॉपर पेप्टाइड्स भी हमारी बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं. सो कॉपर इज़ अ पेप्टाइड जो कि हमारी बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होता है, जो कि एक्चुअली अमीनो एसिड को कम्बाइन करने का काम करता है कॉपर के साथ में. सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉपर पेप्टाइड्स हमारी बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं और ये हमारी स्किन को रिपेयर करने का काम करते हैं. बट जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, जैसे जैसे हम एज करते हैं, हमारी स्किन एज करती है, कॉपर पेप्टाइड्स हमारी बॉडी से धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है. सो अब हमें क्या करना चाहिए हमारी स्किन को अच्छा बनाए रखने के लिए, उसे रिपेयर करने के लिए, हमें टॉपिकली अपने स्किन केयर रूटीन में लगातार कॉपर पेप्टाइड्स को शामिल करना होगा सो दैट हमारी स्किन ऑटोमेटिकली रिपेयर होती रहे. सो अब हम जान लेते हैं कि कॉपर पेप्टाइड्स हमारी स्किन के लिए इतना अच्छा क्यों है और वो हमारी स्किन के लिए ऐसा क्या करता है जिससे कि हमें कॉपर पेप्टाइड्स को अपने स्किन केयर रूटीन में शामिल करना चाहिए. सो कॉपर में एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से ये हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है. कॉपर पेप्टाइड्स हमारे स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं, बूस्ट करते हैं, जिससे हमारी डैमेज्ड स्किन हील एंड रिपेयर होती है. जैसे कि आपको पता है कोलेजन हमारे स्किन के लिए कितना अच्छा होता है. कोलेजन से हमारे स्किन स्ट्रॉन्गर, फर्मर एंड हेल्दियर बनती है. कॉपर पेप्टाइड्स हमारी स्किन को हील, रिपेयर एंड रीस्टोर करने का काम करता है. ये एक रीस्टोरिंग इंग्रेडिएंट है. बट इसका ये मतलब नहीं है गाइस कि ये आपकी स्किन पर ओवरनाइट वर्क करेगा. जैसे कि आपने रात को लगाया और सुबह आपकी स्किन बहुत अच्छी रिपेयर्ड एंड हेल्दी एंड सब कुछ हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है गाइस. ये आपकी स्किन पर धीरे धीरे वर्क करता है और इसे वर्क करने में टाइम लगता है. जनरली हमारे साथ क्या होता है कि ह्यूमन नेचर होता है कि जब भी हम कोई स्किन केयर प्रोडक्ट्स लेते हैं और उसे यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो जल्दी से हमारी स्किन पर वर्क करने लग जाए और जल्दी से उसका इफ़ेक्ट हमारी स्किन पर दिखने लग जाए. हम रातों रात चाहते हैं कि हमारी स्किन एकदम से अच्छी हो जाए, एकदम से हेल्दी हो जाए. बट गाइज ऐसा होता नहीं है. जो भी जितने भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं उनको वर्क करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है. कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों के ऊपर कुछ महीनों का टाइम लगता है उनको रिजल्ट शो होने में, कुछ लोगों का टाइम लगता है कि 6 से 12 महीने भी लग जाते हैं, कभी कभी तो 1 साल भी लग जाते हैं, तब जाके आपको अपनी स्किन में कुछ डिफरेंस पता चलता है. इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ करें तो ऐसा ना करें कि 1 महीने आप यूज़ करें और उसके बाद बंद कर दें कि अरे मुझे तो कोई फ़र्क दिखाई नहीं पड़ रहा है. कि जब भी आप कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट ट्राई करें तो एटलीस्ट कुछ महीनों से लेकर के लाइक 6 महीने या साल भर भी आप वेट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस कि आपको उससे कोई दिक्कत या नुकसान ना हो रहा हो. अगर वो आपकी स्किन को सूट कर रहा है, आपकी स्किन पर कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो एटलीस्ट स्किन केयर प्रोडक्ट्स को थोड़ा टाइम दीजिए, कुछ महीनों का, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने, कभी कभी तो 12 महीने भी लग जाते हैं किसी प्रोडक्ट का रिजल्ट शो होने में. सो यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ गाइस कि डर्मेटोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं कि कभी भी विटामिन सी अगर आप अपने स्किन केयर रूटीन में शामिल कर रहे हो तो उस टाइम पर आपको कॉपर पेप्टाइड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए. तो जब भी आप कॉपर पेप्टाइड बेस्ड कोई स्किन प्रोडक्ट यूज़ करें तो हमेशा अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की एडवाइस ज़रूर ले लें, उनको दिखा कर, उनको पूछ कर ही कॉपर पेप्टाइड्स अपने स्किन केयर रूटीन में शामिल करें. सो गाइस अभी मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसमें कॉपर पेप्टाइड्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें वो सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारी स्किन को हील एंड रिपेयर करने के काम आती है. तो मैं बात कर रही हूँ फेस्ट डर्मा एज डिफाइंग क्रीम की, जिसमें कि कॉपर पेप्टाइड्स प्रेजेंट होते हैं. और ये है फेस्ट डर्मा का एज डिफाइंग क्रीम जिसमें कि कॉपर पेप्टाइड्स प्रेजेंट होते हैं. और इसको आप एज अ नाइट क्रीम यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट रात में लगाते हैं तो हमारी स्किन पर वो ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, हमारी स्किन भी अपने आप को रिपेयर
करने का काम करती है रात को जब हम सो रहे होते हैं। तो ये आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा और जो भी मैंने आपको अभी बेनिफिट्स बताए कॉपर पेप्टाइड्स के, वो सारी आपके स्किन को मिल सकेंगे। सो गाइज, ये एक एंटी एजिंग क्रीम है और ये एक एज डिफाइंग क्रीम की तरह वर्क करती है और आप इसको अपने नाइट केयर रूटीन में शामिल कर सकते हैं। आप इसको एक एज अ नाइट क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें कॉपर पेप्टाइड्स होते हैं, तो ये आपकी स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है, आपकी स्किन को हील करता है और रिपेयर करता है। साथ ही साथ इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हैं, तो अगर आपको रिंकल्स या फिर झुर्रियों की प्रॉब्लम हो रही होती है फेस में, तो ये उसको भी रिमूव करने का काम करता है, उसको भी रिपेयर करने का काम करता है। क्योंकि इसमें कॉपर पेप्टाइड्स है गाइस, तो ये आपके एजिंग साइंस को कंट्रोल करने का काम करता है, आपकी स्किन को हेल्दियर एंड स्मूदर लुकिंग टेक्सचर देता है। ये आपकी स्किन में डीपली पेनिट्रेट करता है जब आप इसको अपनी स्किन में लगाते हो रात को एज अ नाइट क्रीम, और साथ ही साथ ये आपके स्किन के स्कार्स को, रिंकल्स को भी रिमूव करता है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको किस तरह से इसको यूज़ करना है। कुछ इस तरह की पंप बॉटल है गाइस, और इसको आपको लिड रिमूव करना है और पंप से थोड़ा सा प्रोडक्ट आप निकालेंगे जितना आप देख रहे हैं, और उसके बाद डॉट डॉट करके इसको अपने पूरे फेस पर लगा लेंगे और उसके अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए हल्के हाथों से अपनी पूरी स्किन पर मसाज करें। और गाइस, जब भी आप नाइट क्रीम अप्लाई करिए हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही मसाज करिए, चाहे नेक की मसाज हो या फेस की मसाज हो, हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही मसाज किया करिए, इससे आपकी स्किन फर्म होती है। और सो मैं एक बात और बता दूं आपको कि यहाँ मैं किसी ब्रांड का या किसी पर्टिकुलर क्रीम का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ गाइस, क्योंकि इसमें कॉपर पेप्टाइड्स प्रेजेंट है, इसलिए मैंने इस क्रीम का या इस ब्रांड का नाम सजेस्ट किया आपको। बट इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे, ऑनलाइन मिल जाएंगे, आप कहीं से कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं जिसमें कॉपर पेप्टाइड्स हो। एंड ऑल्सो कोई भी नया प्रोडक्ट यूज करने से पहले आप एक पैच टेस्ट जरूर लेंगे। हर स्किन हर प्रोडक्ट के लिए डिफरेंटली बिहेव करती है, तो हमेशा एक पैच टेस्ट जरूर ले लिया करो गाइस जब भी कोई नया प्रोडक्ट यूज करो। ऑल्सो मैं एक बात और आपको बता दूं, कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं अपनी स्किन पर, तो कभी भी स्किन पर ओवरडू मत कीजिए, किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिए। ये एक एंटी एजिंग प्रोडक्ट है, ये आपकी स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है जिससे कि आपकी स्किन रिपेयर होती है एंड हेल्दी होती है, और साथ ही आपकी स्किन में इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है। तो ये तो थे गाइस कुछ स्किन केयर बेनिफिट्स ऑफ दिस क्रीम। सो जैसा कि हम जानते हैं कि एक सर्टेन एज के बाद जैसे जैसे हम एज करते हैं, हमारी स्किन भी एज करने लगती है और हमारी स्किन भी उतनी हेल्दी नहीं रह जाती है जितने की हमारे यंग एज में होती है। तो हमें टॉपिकली अपनी स्किन को अच्छा बनाए रखने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स अपने स्किन केयर में शामिल करने पड़ते हैं, और स्पेशली आफ्टर 25 या फिर 30, और 35 के बाद तो हमारी स्किन काफी तेजी से एज करने लगती है। जैसे हमारी स्किन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाए, वैसे वैसे हमें स्किन केयर प्रोडक्ट्स को अपने रूटीन में शामिल करते जाना चाहिए। अपनी डाइट अच्छी रखिए, अच्छे से वर्कआउट कीजिए, इसके अलावा अच्छे से स्किन की केयर कीजिए, अच्छे स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करिए, सो दैट आपकी स्किन ज्यादा टाइम के लिए हेल्दी रहे और ज्यादा टाइम के लिए यंगर लुकिंग रहे। सो क्लिक ऑन केयर पर फैस डर्मा क्रीम आपको इजीली मिल जाएगी और इसका प्राइस है 950 रुपीज। डू कॉपर पेप्टाइड्स वर्क और नॉट वर्क फॉर योर स्किन? डू कॉपर पेप्टाइड्स वर्थ स्पेंडिंग योर मनी और नॉट? सो आज का वीडियो था कुछ इसी के बारे में। आई होप कि आज का वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, काफी हेल्पफुल लगा होगा। सो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, देन हिट लाइक, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, सो दैट जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। इन केस आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझसे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगी। एंड ऑल्सो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिए, वहाँ आपको मेरी लाइव अपडेट्स पता चलती रहेंगी। सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मिलती हूँ आपसे अपने नए वीडियोज़ के साथ बहुत ही जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, दिस इज मी निशा साइनिंग ऑफ। Stay healthy, stay beautiful, be you and be confident.